नमस्कार, मैं मयूरी और मैं बनाने जा रही हूँ गुजरातीज का फेवरेट दाल ढोकली। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक कप तुअर दाल, थोड़ा सा हींग, 5 से 6 कड़ी पत्ते, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 4 कप पानी, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल, 1 कप आटा व्हीट फ्लोर, थोड़ा सा हींग, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, कोरिएंडर लीव्स गार्निश के लिए और नमक स्वाद अनुसार। चलिए बनाते हैं गुजरातीज का फेवरेट दाल ढोकली। फ्लेम ऑन करें, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, अब इसमें उबली और मैश की हुई दाल डालेंगे, हम इसे थोड़ा लाइट बनाने के लिए पानी डालेंगे, ढोकली बनाने के लिए हमने 1 कप आटा लिया है, उसमें 2 पिंच हींग डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाला है और टेस्ट के अनुसार नमक डाला है। उसे गूंद कर इस तरह से हमने बॉल बनाए हैं। अब इन बॉल्स को हम रोल करेंगे रोटी में। जब तक दाल उबल रही है तब तक हम ढोकली बनाएंगे। इस तरह से रोल करेंगे हम। इस तरह से रोटी हमारी बन गई है। अब इसे हम काटेंगे। और मिठाई के शेप की ढोकलियां बनाएंगे। अब इन ढोकलियों को हम उबलती हुई दाल में डालेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ढोकली सॉफ्ट नहीं हो जाती। सॉफ्ट होने के बाद ढोकलियां अपने आप ऊपर दाल पर तैरने लगती हैं। आप पूरी की पूरी ढोकलियां इसमें डाल दीजिए और इसे 5 या 6 मिनट तक के लिए पकने दीजिए। मैंने आपसे कहा ढोकलियां पकेंगी तो ऊपर अपने आप आ जाएंगी। फिर इसे सर्विंग बोल में डालकर कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। देखें दाल ढोकली पकी है या नहीं। हाँ जी, पक गई। ये देखिए ढोकलियां ऊपर आ गई हैं। अब इसे हम एक सर्विंग बोल में निकालेंगे, कोरिएंडर लीव से गार्निश करेंगे। स्लर्पी टेस्टी दाल ढोकली तैयार है। एंजॉय योर मील।